हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक बॉटनी, जिसमें हमने फाइबर पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक हम देखेंगे रबड़। रबड़ देखिए, अपने जो बीएससी के एग्जाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जो होते हैं, इनमें इस टॉपिक से एक बड़ा क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो रबड़ इसके बारे में क्वेश्चन या तो टिप्पणी करो, या मतलब शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जा सकता है, कि या फिर इसके लिख के पूछा जा सकता है। इसके गुण, उत्पत्ति, वितरण, रबर निष्कासन आदि की विधि वगैरह को समझाइए। तो जो भी है इसकी प्रोसेसिंग हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके वानस्पतिक नाम की, तो इसका वानस्पतिक नाम होगा हीविया ब्रेसिलियंसिस। याद रखिएगा, एक नंबर में भी आसानी से पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में हम जितने भी बोटानिकल नेम बताएंगे, उन सबको एक अलग लिस्ट बना के याद कर लीजिएगा। इनको मतलब एक नंबर के क्वेश्चन में भी आसानी से पूछा जा सकता है। अब देखिए, अगर हम बात करें रबड़ के गुणों की अगर हम बात करें, तो सभी को पता है रबड़ कैसा होता है। लचीला होता है, प्रत्यास्थ होता है, तथा चिरस्थायी। चिरस्थायी मतलब लंबे समय तक चलने वाला या फिर स्थिर रहने वाला। वायुरोधी मतलब कि ये वायु को आर पार नहीं जाने देता है। जल सह मतलब कि ये जल में भी मतलब जल्दी से जल में भी खराब नहीं होता है। प्रत्यास्थ का मतलब होता है जो ऐसी चीज को ही, जो कि इस पे जब तक कोई बल लगाया जाएगा या फिर जब तक इस पे कोई दबाव लगाया जाएगा, तब तक ये अपनी आकृति में परिवर्तन करेगा, और इसके बाद जैसे ही इस पे से वो बाह्य बल या कोई भी जो प्रेशर है वो हटा लिया जाएगा, तो ये पुनः अपनी आकृति प्राप्त कर लेता है। ये गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्था। ठीक है, रबर एक वृहद अणु यौगिक है। वृहद अणु का मतलब है इसमें बहुत सारे अणु होते हैं। अब किसके अणु होते हैं? पहली बात तो ये वृहद अणु क्या है, इसलिए इसको हम बहुलक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? अनेक छोटे यौगिकों के बहुलीकरण से बनता है। मतलब कि छोटे छोटे किसी यौगिक के बहुलक बनने से या पॉलीमराइजेशन से इसका निर्माण होता है। बात करें रासायनिक गुणों की, तो देखिए, असंसाधित जो रबर होता है, असंसाधित मतलब जो हम प्लांट से प्राप्त कर रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो रबर हम यूज करते हैं वो संसाधित रबर होता है। उसको एक प्रोसेस के द्वारा जब गुजार लिया जाता है, तब वह हमारे काम का बनता है। ठीक है, असंसाधित रबर में क्या होता है? 92 से 94% हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब वही कार्बन हाइड्रोजन की चेन। ठीक है, इसके अलावा 3% रेजिन और 2% प्रोटीन। इसके अलावा कुछ और चीजें भी मिल सकती है। ठीक है, इसमें हाइड्रोकार्बन आइसोप्रीन होता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन मिलेगा इसमें? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो है रबर जो है, ये क्या है? आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, अब देखिए और रासायनिक गुण इसके क्या होंगे? ये दुर्बल अम्लों व क्षारों से अप्रभावित रहता है। कोई भी जो दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार है, उससे ये कोई रिएक्शन नहीं करता है या उससे अप्रभावित रहता है। तो प्रभावित किससे होगा भाई? हेलोजन अम्लों, ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। मतलब हेलोजन अम्ल जो है और ओजोन है, O3, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO2, NO3 वगैरह, इनसे क्या होगा? ये क्रिया करके यौगिक बना लेता है। आगे अगर हम बात करें, तो ये क्या होगा? अधिक तापमान और अधिक दाब पर हाइड्रोजनीकरण। जब रबड़ का अधिक तापमान और अधिक दाब पर हाइड्रोजनीकरण करते हैं, तो ये क्या बन जाता है? हाइड्रो रबड़। ठीक है, आगे देखिए, बात करें हम रबड़ के भौतिक गुणों की, तो भौतिक गुण मतलब जो हम बाहर से देख सकते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण जो होते हैं, जो इसकी मतलब जो रिएक्टिविटी, जो इसकी क्रियाशीलता है, इसको मतलब देखते हैं, तो वो होते हैं रासायनिक गुण। और भौतिक गुण है जो हम इसको बाहर से देख सकते हैं। रबर शुद्ध, जो एक शुद्ध रबर होता है वो कैसा होता है? उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती। वो क्या कैसा होता है? स्मेललेस होता है, लचीला होता है। ठीक है, जल में कैसा होगा? अघुलनशील, मतलब कि ये जल में घुलता नहीं है। आगे अगर हम देखें, तो कार्बनिक विलायकों में घुलनशील। कार्बनिक विलायक कौन से होते हैं? ईथर है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, वो कार्बन डाइसल्फाइड आदि में क्या होता है? घुलनशील होता है। न्यून ताप पर कठोर व अपारदर्शी, मतलब कम टेम्परेचर पे ये क्या होगा? कठोर होगा और अपारदर्शी होगा। ठीक है, जबकि उच्च तापमान पर नरम होता है। ठीक है, सॉफ्ट हो जाता है।
और अगर हम देखें कि अगर इसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ा दिया जाए तो इसका क्या हो जाता है, लचीलापन समाप्त हो जाएगा और ये एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में बदल जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें रबड़ के उत्पत्ति और वितरण की, तो देखिए जो रबड़ का पादप है वो कहाँ मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय व उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, अब हम बताएंगे उष्ण कटिबंधीय और उप उष्ण कटिबंधीय कहाँ मिलेंगे। देखिए पश्चिमी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लोगों को रबड़ की जानकारी पूर्व ऐतिहासिक काल से ही थी, मतलब कि बहुत पहले से ही उन लोगों को रबड़ के बारे में जानकारी थी। कहाँ के लोगों को, पश्चिमी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लोगों को। ठीक है, इसका जो नामकरण है, रबड़ जो नाम दिया है ये किसने दिया है, जोसेफ प्रिस्टले ने, जिन्होंने ऑक्सीजन को भी खोजा है। ठीक है, और कब दिया है, सन 1770 में। रबड़ क्षैतिज रेखा के दोनों ओर 1100 किलोमीटर तक अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए ये अगर हम देखें हमारी पृथ्वी, तो ये जो इसकी क्षैतिज रेखा है, ठीक है, ये क्या है, इसकी क्षैतिज रेखा है, तो क्षैतिज रेखा से कुछ दूरी तक ये क्या होगा, ये जो क्षेत्र होगा ये तो होगा उष्ण कटिबंधीय, और इसके बाद में ये एरिया जो होगा ये होगा उप उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फाइनली कि क्षैतिज रेखा से 1100 किलोमीटर ऊपर और 1100 किलोमीटर नीचे क्या मिलेगा, ये रबड़ की खेती बहुत ज्यादा मिलती है देखने को। ठीक है, हीविया, हीविया का मतलब रबड़, हीविया पेरू बोलीविया तथा कोलंबिया में जंगली अवस्था में उगता है, मतलब कि जंगलों में उगता है, इसकी वहां पे ऐसे कोई खेती वगैरह नहीं करते होंगे। क्या मिलता है, जंगलों में जंगली जो पादप होते हैं उनके रूप में मिलता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो देखिए ब्राजील से 1875 में रबड़ के बीजों की पौध तैयार करके श्रीलंका, मलाया और इंडोनेशिया में भेजी गई थी। भाई जानकारी के रूप में याद रखना पड़ेगा, अगर शॉर्ट नोट आता है तो हमें पूरा ये कंप्लीट बताना होगा। अब देखिए भारत में क्या हुआ, भारत में कब आया ये, 1905 में, और सबसे पहले कहाँ पे उगाया गया था, केरल में। अब देखिए कुल रबर उत्पादन का 90%, जो टोटल रबर का उत्पादन होता है उसका 90% भाग कौन देता है, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और भारत, ये सब मिलके पूरे रबड़ का 90% उत्पादन करते हैं। अब भारत में देखिए सबसे पहले 1905 में तो कहाँ पे आया था, केरल में, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो रबड़ की खेती है वो कहाँ कहाँ की जाती है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु व अंडमान निकोबार, गोवा इत्यादि में। ठीक है, अब देखिए जो हमें प्लांट से रबर मिलता है वो मिलता है एक लिक्विड फॉर्म में, और मतलब वो असंसाधित रबर जिसको हमने बताया है, आगे उसको यूजफुल बनाने के लिए उसका क्या किया जाता है, मतलब उसे संसाधित किया जाता है, उसे एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस तो हम देखेंगे बाद में, पहले देखिए रबड़ का निष्कासन कैसे करते हैं। सबसे पहले रबड़ निष्कासित करने वाले श्रमिकों को, जो भी रबड़ निष्कासन का काम करते हैं उन श्रमिकों को क्या बोलते हैं, टेपरस, क्या बोलते हैं, टेपरस। यह रबड़ वृक्ष के स्तंभ की कैम्बियम परत से निकाला जाता है, जो एक रबड़ का प्लांट है उसकी कैम्बियम लेयर जो होती है वहां से ये रबड़ प्राप्त होता है हमें। ठीक है, अब देखिए रबड़ प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया में क्या होगा, अब ये प्रोसेसिंग इसकी चालू हो गई है। जो पहली प्रक्रिया है इसकी वो है टेपिंग। टेपिंग क्या होती है भाई, देखिए जब कोई रबड़ का प्लांट उगा रखा है, जब वो लगभग 6 वर्ष या उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो क्या करेंगे, लगभग 6 वर्ष के वृक्ष में जमीन से 1.2 मीटर ऊंचाई पर, लगभग 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर क्या करेंगे, 30 डिग्री कोण का चीरा लगाया जाता है। उसे 30 डिग्री कोण का क्यों लगाया जाता है, क्योंकि रबड़ का मतलब जो ये लेटेक्स वाहिनियां जो होती है उसमें, पौधे में जो लेटेक्स वाहिनियां होती है जिसमें ये रबड़ आता है, वो क्या होती है, सर्पिल क्रम में होती है, तो उसमें सर्पिल क्रम में होती है, इस वजह से इसमें क्या किया जाता है, लगभग 30 डिग्री कोण का चीरा लगाते हैं ताकि आसानी से वो निकल के बाहर आ सके। ठीक है, याद रखना है हमें। अब देखिए रबड़ छाल के नीचे लेटेक्स वाहिकाओं में उपस्थित होता है, कहाँ होता है, हमने बता दिया है पहले ही,
छाल के नीचे लेटेक्स वाहिकाओं में। ये वाहिकाएं सर्पिल क्रम में होती है, अतः चीरा कैसा लगाएंगे हम, 30 डिग्री का लगाएंगे। रबर निष्कासन सुबह के समय किया जाता है, मतलब क्या करते हैं सुबह के समय इसमें चीरा लगा के और इसके नीचे कोई मिट्टी का बर्तन बांध देते हैं और दोपहर तक उसमें रबर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, देखिए सुबह के समय किया जाता है। बनाई गई खांच के नीचे मिट्टी का पात्र लटका दिया जाता है व उसमें प्रतिस्कंदक डाल दिया जाता है। प्रतिस्कंदक क्या होता है, देखिए वो एक लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है, अगर हम उसमें कोई भी प्रतिस्कंदक नहीं डालेंगे तो जिस तरीके से वो निकलेगा वहां पे वैसा का वैसा जम जाएगा, तो वो जमे नहीं, उसके लिए उसमें क्या डालते हैं, प्रतिस्कंदक। ठीक है, तो ये क्या इकट्ठा हो जाएगा, मिट्टी के पात्रों में इकट्ठा हो जाएगा। आगे देखिए, लेटेक्स का प्रवाह दोपहर तक कम हो जाता है, मतलब सुबह अगर हमने चीरा लगाया है या फिर सुबह हमने इकट्ठा करना चालू किया है तो क्या होगा, वो दोपहर तक रिस के पूरा उस पात्र में आ चुका होता है। ठीक है, आगे देखिए, निष्कासन के बाद उस वृक्ष को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। देखिए उस वृक्ष को कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, उस छाल के ऊपर क्या होगी, उस कटे हुए भाग के ऊपर क्या होगी, एक नई छाल आ जाएगी। ठीक है, और नई छाल आ जाएगी, इसके बाद उसमें पुनः रबड़ का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा और कुछ समय बाद हम उसे फिर से दूसरा चीरा लगा के रबड़ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पुराने निष्कासन के बाद उस वृक्ष को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, पुराने कट पर नई छाल आ जाती है। रबड़ निष्कासन की प्रक्रिया निश्चित समय अंतराल पर पूरे साल भर चलती रहती है। अगला जो स्टेप है वो है प्रोसेसिंग। अब ये प्रोसेसिंग जो है, पहला स्टेप था हमारा टेपिंग, दूसरा स्टेप है हमारा प्रोसेसिंग। अब देखिए इस प्रोसेसिंग को भी लगभग हमने 5 पॉइंट्स में बांट लिया है, 5 स्टेप में ये प्रोसेसिंग का काम होगा। सबसे पहले क्या होगा, छानना, जो एल्यूमिनियम की जो छलनियां होती है इनसे इस रबड़ को सिंपल तौर पे छान लिया जाता है। उससे क्या होगा, कोई भी छाल वाला पार्ट है या फिर उसमें कोई भी पत्ती वगैरह गिर गई है वो सब निकल के अलग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मानकीकरण। मानकीकरण क्या होता है, रबड़ में उपस्थित पानी की मात्रा को आर्द्रता मापी द्वारा मानकीकृत किया जाता है, मतलब कि जितनी आर्द्रता इसमें चाहिए उतनी रखेंगे, उसके अलावा जो पानी है उसको निकाल दिया जाता है। ये क्या होगा, मानकीकरण। और ये काम किसके द्वारा किया जाता है, आर्द्रता मापी द्वारा। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट जो है वो है स्कंदक। देखिए जब हमने रबर निकाला था तो उसमें डाला था प्रतिस्कंदक, मतलब कि एंटीकोगुलेंट। अब यहाँ पे हम डालेंगे स्कंदक, मतलब कि ताकि ये जम सके आसानी से। स्कंदक कारक जैसे फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल के साथ मिलाकर इसे स्कंदित कर लिया जाता है, मतलब कि इसको जमा लिया जाता है। ठीक है, अगला स्टेप है वो होगा वॉशिंग व रोलिंग। अब जो जमा हुआ रबर है उसको पानी की सहायता से 2-3 बार धो लेते हैं और इसके बाद में इसको एक रोलर से रोल करके शीट का रूप दे देते हैं, एक परत का रूप दे देते हैं। देखिए स्कंदित पदार्थ को पानी से धोकर रोलर द्वारा शीट के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। आगे क्या करेंगे, शुष्कीकरण, इसको हमें सुखाना है। रबर सीटों को स्मोक चैम्बर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर सुखाया जाता है और ये लगभग 3 से 4 दिन में सूख के तैयार हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम नंबर तीसरा स्टेप जो है वल्कनीकरण, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में भी कि रबड़ के वल्कनीकरण में किन मतलब तत्वों का या पदार्थों का यूज किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्कनीकरण में क्या होता है, रबड़ को अधिक लचीला व स्थायी बनाने के लिए, मतलब जो उसका प्राकृतिक गुण है वो तो ठीक ही है लेकिन उसको और ज्यादा लचीला और स्थायी बनाने के लिए क्या कर देंगे, हम उसका वल्कनीकरण कर देंगे। और वल्कनीकरण होता क्या है, उसको क्या करते हैं, गंधक मतलब कि सल्फर के साथ उच्च तापमान पर गर्म करते हैं। ठीक है, और ये वल्कनीकरण बताया किसने, ये प्रक्रिया किसने बताई, चार्ल्स गुडियर ने। और इसे क्या बोलेंगे, लास्ट फॉर फाइनल इसे हम क्या बोल देंगे, वल्कनीकृत रबर। ठीक है, तो ये थी हमारी रबर को प्राप्त करने की प्रक्रिया और उसको मतलब जो प्रोसेसिंग वगैरह के स्टेप्स। आगे हम अगला टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में।